हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा आएगा, उसके लिए मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सेकेंड ईयर में नए सेशंस में, नई क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे बीएड सेकेंड ईयर को लेके, क्योंकि अब हमें शुरू से बीएड सेकेंड ईयर का क्लास करना है। क्योंकि पिछली बार तो जैसे तैसे गया, मगर इस बार सीरियसली और अच्छे तरीके से डीपली समझेंगे और कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर स्कोर गेन करें बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो दोस्तों, सब्जेक्ट्स में आप सभी बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपको इस सेकेंड ईयर में केवल तीन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, केवल तीन सब्जेक्ट्स का पेपर होगा, और वो तीन सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है। यानी कि आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, फर्स्ट ईयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे हैं, इन सभी के लिए ये तीनों सब्जेक्ट्स कॉमन है। आप सभी बीएड सेकेंड ईयर वालों को ये तीन सब्जेक्ट्स पढ़ना है। इसमें कोई ऑप्शनल नहीं, कोई चेंजेस नहीं, तीन सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन, एक जैसे। तो वो तीन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? वो तीन सब्जेक्ट्स में पहला जो सब्जेक्ट है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरणीय शिक्षा। दूसरा सब्जेक्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान। और तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों, कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू, समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे। तो ये टोटल तीन सब्जेक्ट्स हैं। पहले सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करें ना, तो पहले सब्जेक्ट में आपने नाम देखा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरणीय शिक्षा। आपको पता है पहला जो सब्जेक्ट है ना, वो टोटल तीन पार्ट में है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडीज। आप थोड़े से और खुश हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज से है, और वो आपने वही इन्वायरमेंटल स्टडीज जो आपने बहुत बार पढ़ा है। आपको पता है इस इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके बचाव, सुरक्षा, लाभ, हानि। तो एक पार्ट तो बहुत ही आसान है, वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके अलावा दो पार्ट हैं, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट है अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें आपको वास्तव में पढ़ना क्या है, आपने जो बच्चे को पढ़ाया, आप उसकी आकलन असेसमेंट कैसे करेंगे, मतलब टेस्ट क्या होता है, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। इसके अलावा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और CCC, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, इसमें भी पूछा जाता है। तो आपको आकलन, जैसे मापन क्या होता है, आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, और इन तीनों में संबंध, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिया। यही चीज़ें आपको पढ़नी है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। और दूसरा है बच्चों एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तव में ये कहता है कि विद्यालय से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना, उनका निष्कर्ष निकालना, एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो आपको एक एक्शन रिसर्च प्लान बनाना होता है। इसमें आपको एक, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई समस्या है कि बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, या बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, या फिर लड़कियों की संख्या कम है आपके क्लासरूम्स में, या फिर उस स्कूल्स में लड़कियाँ एडमिशन नहीं लेती, तो ये आपके विद्यालय की प्रॉब्लम हो गई। अब इस पर आप एक एक्शन रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे, ये सब देखा जाएगा। ये सेकेंड पेपर की टोटल, ये सब सारी चीज़ें आपको सेकेंड पेपर में पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट बच्चों मेरा फेवरेट, और आप जब पढ़ेंगे ना, आपका भी फेवरेट बन जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समसामयिक भारतीय शिक्षा, चिंता एवं मुद्दे। अब इसमें आपको दो पार्ट पढ़ना है, दो पार्ट में। पहला कि एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंट एरा, मतलब आज़ादी से पहले हमारी शिक्षा का स्वरूप कैसा था, उसमें क्या चीज़ें की गई। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश थे, तो इंडिया में ब्रिटिश के दौरान हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी थी, और उस समय कुछ विवाद हुआ, उस समय के जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे, उन्होंने शिक्षा को कैसे चलाया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा के लिए कुछ पैसे लाती है, विवाद होता है, मैकाले, एक शब्द आता है मैकाले, ठीक है, मैकाले को कई बार आपने कई जगह पर सुना होगा। तो उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है कि आज़ादी से पहले भारत का शिक्षा का स्वरूप कैसा था, और उसके बाद आज़ादी के बाद जो भी NEPs आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आए, उसके बारे में पढ़ना है। NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया, उसके बारे में पढ़ना है।
और जो इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ काम करते हैं, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा परिषद, ये सारे जो परिषद काम करते हैं, इनके बारे में पढ़ना है आपको तीसरे सब्जेक्ट में। तीसरा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है, तीनों पेपर बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बीएड सेकंड ईयर में, और टेंशन मत लीजिए, अपने सारे दोस्तों को यहाँ पे जोड़िए, एक साथ पढ़ेंगे। मैं शुरू से इस बार कोशिश करूँगा कि चैप्टर वाइज वन बाई वन आपको यहाँ पे नोट्स दूँ। आप एक काम करिएगा, इन तीनों विषय के बुक आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको सी टेट में भी बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जब शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास ये बुक रहे, ताकि आप सेल्फ स्टडी भी वहाँ से कर सकें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है। अब आइए थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ दीजिए। हाँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो तीन पेपर है बच्चों, एज़ यूजुअल जैसे आपके फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम हुआ था 80 नंबर का रिटन पेपर, वैसे ही इन तीन पेपर में 80 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा, ठीक है। तो तीन पेपर 80 80 80, मतलब 240 नंबर का रिटन पेपर होगा, और इन तीन सब्जेक्ट्स में 20-20 नंबर आपको कॉलेज से मिलता है, तो वहाँ से टोटल आपके 300 नंबर का थ्योरी पेपर हो गया, राइट। 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड ईयर में आपका 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और 200 में मोस्टली कॉलेजेस में आपको 190 से ऊपर 195 196 194 इतने मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो सेकेंड ईयर में परसेंटेज काफ़ी हाई जाता है, मतलब 500 में टोटल 500 नंबर का होगा, तो 500 में 200 में 195 तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा, बाकी बचा 300 में 60 नंबर तो ऐसे ही, मतलब 60 नंबर जो प्रैक्टिकल का वैसे ही मिल जाता है। 80-80 नंबर के तीन पेपर में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आसानी से 80 प्लस क्रॉस कर जाता है, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे 85-90 प्लस आपके परसेंटेज आ सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। तो सेकेंड ईयर के अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, टोटल मार्क्स की बात करें, तो टोटल 500 नंबर का होता है, 500 नंबर में 200 नंबर का प्रैक्टिकल, 80-80-80 240, मतलब 8-3-24 240 नंबर का आपका रिटन पेपर होता है सेंटर में जाके। तो ये होगी टोटल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात। थोड़ा बहुत अगर हम फाइल्स के बारे में बात कर लें तो फाइल्स डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर, तीन सब्जेक्ट के तीन फाइल तो बनाने ही होते हैं। इसके अलावा आपको लेसन प्लान, दोस्तों इसमें लेसन प्लान भर भर के बनाना होता है, एक विषय के 20-20 लेसन प्लान, मतलब अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि लेसन प्लान आप किस सब्जेक्ट पे बनाएंगे, तो लेसन प्लान जो आपका फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट था, उसी दो कॉमन सब्जेक्ट पे हर एक सब्जेक्ट में 20-20 लेसन प्लान बनाना होता है, तो वो लेसन प्लान आपको फाइल में बनाना पड़ेगा। तो चलो फाइल की बात, तो एग्जाम्स के टाइम है, जब आपकी कॉलेज से फाइल मिलेगा हम उसको देखेंगे, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये बस सारी चीज़ें थी आपके बीएड सेकेंड ईयर के बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अगर हाँ तो कमेंट में राय दे दीजिए कि चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, और आप थोड़ा सा फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि आने वाले बच्चों के लिए फ़ायदा हो कि आपका और मेरे चैनल्स का रिलेशन कैसा रहा, मेरे वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं कितने फ़ायदेमंद होती हैं, और क्या फीडबैक है आपका मेरे लिए, आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, जैसे नई चीज़ें होंगी हम वन बाई वन अगले वीडियोस में पहले किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे, फिर वन बाई वन यूनिट करके इसको पढ़ाई करेंगे। चलो बच्चों, ठीक है, तो शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, पढ़ेंगे साथ मिलकर रहेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा और अपनी तरफ से भी सपोर्ट करिए, और ले आइए अपने जितने भी दोस्तों हैं जो अभी तक नहीं जुड़े, इधर उधर भटके हैं, उन सभी को ले आइए, जोड़िए इस चैनल पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, एक साथ मिलकर हम पढ़ाई करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपके पहले सब्जेक्ट्स के सिलेबस एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर उसके बाद यूनिट वाइज हम पढ़ाई करेंगे। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, जय हिंद, जय भारत, आप भी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।